आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में कोई सामान बच जाता है तो आप उसे कैसे नया हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। जिसके लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी उपमा लिया है और थोड़े से चावल, ये जो कि बच गए थे हमारे पास। हमने इसे एक बॉल में डाला है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा आमचूर, नमक, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसे अच्छी तरह से एक डफ की तरह तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग इसे अपना मनचाहा आकार दे देंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे जो है धीमी आंच में या मीडियम आंच में तल लेंगे। ये जो नाश्ता है इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। यदि आपके पास में उपमा या अवेलेबल ना हो तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। सूजी के साथ साथ में ही आप इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, बीन, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर उपमा का यूज़ किया है तो इसमें ऑलरेडी सारी सब्जियाँ होती है, तो हमने इसमें कोई भी सब्जी नहीं डाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी उपमा जो बनाया था हमने उसमें ऑलरेडी सब्जी थी। इसकी जो रेसिपी की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जो थाली हमने आज दोपहर में बनाई थी उसकी भी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जैसे ही कोई नई रेसिपी अपलोड होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर।